पूरे YouTube पर कई सारे आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएंगे रिगार्डिंग IEM, हेरिटेज, टेक्नोमेन, नेताजी, AOT। मैंने भी कई सारे रिव्यू वीडियो बना रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। बट एक काफी डार्क रियलिटी है जो कि कॉलेज कभी बताना नहीं चाहेगा, ना ही कभी आप एक्सेप्ट करना चाहोगे, ठीक है? क्योंकि आपको बीटेक करना है यहाँ से ही, मतलब एक हाइप बना हुआ है कि मुझको तो IEM से ही करना है, मुझको हेरिटेज से ही करना है, मुझे टेक्नोमेन से ही करना है, मुझे और कहीं से नहीं करना है। तो जो हाइप है इतना भी मत बना के रखो, क्योंकि जब पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये सिचुएशन है, तो आपको मतलब करने का ही मन नहीं करेगा इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ के जो वेस्ट बंगाल के जो अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, बट हाँ आपको चीजें पता होना चाहिए कि क्या है एक्चुअली, ठीक। बाकी जो भी है पहली बार चैनल पर, तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसे कैसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे टिल फाइनल एडमिशन, तो मेक श्योर यू मस्ट सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो फैक्ट यही है कि आपका जितना भी प्राइवेट कॉलेजेस हो गया, मैं सबका बात नहीं करूंगा, टॉप 3 की बात करूंगा क्योंकि वही ज्यादा डिमांड में है, ठीक है? IEM, हेरिटेज, टेक्नो, मेन, सॉल्ट लेक वाला, ओके, सेक्टर 5। तो इनका जो एवरेज पैकेज है आपको 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो ये कुछ नहीं है, ये आइदर मैनिपुलेट किया गया है या आपका ऑफ कैंपस वाला डेटा इनपुट कर दिया गया है। अब अगर कोई पेरेंट या कोई अगर स्टूडेंट कॉलेज विजिट कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता कि बच्चे ने कितना मेहनत की है उस ऑफ कैंपस को प्राप्त करने के लिए। अब जो बच्चा जो मेहनत करता है वो कॉलेज में बैठकर मेहनत नहीं करता है, या फैकल्टी पढ़ाता नहीं है, वो अपने खुद दम पर मेहनत करता है एंड क्रैक करता है एग्जामिनेशन वगैरह, ठीक है? तब जाके ऑफ कैंपस में उसको 20 LPA और 25 LPA का पैकेज मिलता है, एंड ये जो क्रेडिट है ये कॉलेज वाले ले लेते हैं, एंड वो लेकर के आपका जो एवरेज पैकेज है 6 LPA 7 LPA दिखाया जाता है। बट जो फैक्ट यही है, सबका जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 to 5 तक ही रहता है। एंड खैर ये जो ईयर है 2024, जो पास आउट बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्लेस्ड ही नहीं अभी तक, क्योंकि कंपनी जो आ रहा है इन कॉलेजेस में, या तो सेल्स का जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक ऐसा जॉब प्रोवाइड किया जाए जो स्टेबल नहीं है, लाइक आपको स्टार्टअप वाला कंपनी आ रहा है, ठीक है? मतलब जो टॉप की जेवेंसी कंपनी है उनका संख्या काफी कम हो चुका है, आ रहा है मतलब कम हो चुका है, या उतने अच्छे पैकेजेस ऑफर नहीं कर रही है, ठीक है? तो जो एवरेज पैकेज है 2024 का वो 4.5 LPA है। पहले बात करें लाइक 22 का या 23 का, तो 5 ही था, 5 से कभी ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपको बता दो गेट 2024 में PW के स्टूडेंट्स काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं, एंड अगर तुम अपने आप को यहाँ पर देखना चाहते हो देन आप रिसेंटली लॉन्च्ड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो फॉर 2025 एंड 2026 EAC एंड गेट बैचेस, क्योंकि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको गेट का परफेक्ट गाइडेंस मिल रहा होगा। ये सारे बैचेस के लिस्ट आप देख सकते हो, प्रक्रम है, विजय है, श्रेष्ठ है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप हर एक बैच को देखिए एंड ज्वाइन कीजिए। उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है काफी मीनिमम प्राइस है, तो बिल्कुल सोचने का नीड आपको है ही नहीं कि लू या ना लू, आप जल्द ही ले सकते हो। एंड हाँ जी, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी फ्रॉम PW, जहाँ पर आपको खजाना, PYQ बुक्स एंड बहुत ही कुछ मिल रहा होगा। अभी जितने बैचेस है काफी अच्छे फीचर्स मौजूद है, यहाँ पर लेक्चर प्लान है, टेस्ट प्लान मिलेगा, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, MCQs, MSQs, नेट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, लाइव लेक्चर मिलेगा फ्रॉम बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव डिस्कशन होगा, आप एक डाउट इंजन का फीचर भी यूज कर सकते हो, टेस्ट होंगी वो रेगुलर होंगी, और PYQ जो क्विज फॉर्मेट होगा एंड हर एक का परफेक्ट वीडियो सोल्यूशन को मिल रहा होगा, क्वेश्चंस बिल्कुल अलाइन होगा EAC एंड गेट पैटर्न पर। और हाँ, 2025 एंड 2026 के लिए वो गेट खजाना मिल रहा है सिर्फ ₹3,999 पर, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा होगा एंड DPP एंड DPP सॉल्यूशन में आपको मिल रहा होगा। एक अलग से बुक भी है बाय गेट वाला, तो एक बुक परचेज कर सकते हो जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PYQ मिल रहा होगा ऑल सब्जेक्ट्स के, लाइक 16 इयर्स का है 2008 से लेकर 2023 तक का, जहाँ पर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही कवर किया गया है। और हाँ, एक QR कोड हर एक जगह अटैच किया गया है जहाँ पर स्कैन करके वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। सो बिना देरी किए आप आज ही परचेस कीजिए, आप एक कूपन कोड यूज करते हो, आपको फ्लैट ₹500 इंस्टेंट ऑफ मिल रहा होगा। तो मेरा कहना भी यही है कि ऐसा मत सोचो कि आपको 6 LPA 7 LPA का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है? इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप अपने पर मतलब पूरा विश्वास रखते हो कि हाँ मेरे में उतना पोटेंशियल है, या मैं अंदर उतना पोटेंशियल में लाऊंगा तब जाके मैं क्रैक करूंगा। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज उठाकर दे देगा, कॉलेज उठाकर नहीं देने वाला आपका 7 LPA 8 LPA, मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? अगर देगा भी तो काफी कम कंपनी आएंगी एंड हो सकता है उतना टफ होगा क्रैक कर, तो मेनली आपको ऑफ कैंपस में ही डिपेंड रखना पड़ेगा।
और अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, तो अभी और मे भी एक साल दो साल कुछ वैसा ही रहने वाला है, मतलब स्टेबल नहीं होने लगा जल्दी, ठीक है। और अभी तो खैर AI आ चुका है काफी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो पहले जैसा वो हाल नहीं रहा। सो अभी कॉलेज को काफी इंप्रूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट सेल। तो प्लेसमेंट सेल जो इंप्रूव नहीं हो रहा है, जिसके कारण मतलब कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर कोई भी कॉलेज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ इसमें एडमिशन मत लो, बेकार कॉलेज है, आप लो, बट फैक्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन के पहले आप ये देख रहे हो कि हाँ इसका एवरेज पैकेज 7 LPA है, बट जब जा रहे हो तो वैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सोच कर ढुको ताकि आपको यही मिले, ठीक है। कोई हाइप मत बना दो कि मुझे यही चाहिए। अगर सपोज आपको ए नहीं मिलता है, आप बी और सी ट्राई कर सकते हो। अगर सी नहीं मिलता है, आपको ए बी ट्राई करना चाहिए। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर सपोज आपको CSE नहीं मिल रहा है, आप CSE स्पेसिफिक ट्राई कर सकते हो। घुमा फिरा करके सब कंपनी वही लेता है, CSE लो, IT ले, CSE स्पेसिफिक लो, ठीक है। सब घुमा फिरा कंपनी आपको एक कैटरी में ही डालता है, एक थाली में ही डालता है। आप कॉलेज डिफ्रेंशिएट कर देता है, कई सारे लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि CSE में इतना मिलेगा, IT में इतना मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब है डिफरेंस, बट उतना भी डिफरेंस नहीं है जितना आप सोचते हो। तो आप क्या सोचते हो वो गलत है, फैक्ट आप समझिए। बाकी जो बच्चे WBG एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं या सपोज इन फ्यूचर होना चाहते हो, आपके लिए हमेशा ऑल द बेस्ट रहेगा। बट हाँ, आपको एक्चुअल चीजें पता होना चाहिए कि क्या फैक्ट है, क्या ग्राउंड रियलिटी है। बाकी कुछ डाउट रह चुके मन में, आप कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो।